पाकिस्तान के पास अपने जो चार सूबे उन्हें चलाने के लिए बजट नहीं है, हम बाहर से लोन ले रहे हैं तो हम क्या चलाएंगे, हम कौन सी जंग लड़ेंगे? आप पहले जाने तो सही कि जम्मू कश्मीर वाले वहां पे इंडिया में कैसे रह रहे हैं, आप पहले पता तो लगाएं। वो बेसिकली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम लोगों से मिलते हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं आजाद कश्मीर के भी, वो बेसिकली पेंटेड डेवलपमेंट वगैरह कर रहा है, यही फर्क होता है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में और हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट में। हमने जितने भी डेवलपमेंट किया है कश्मीर में, अपने आजाद कश्मीर में, तो वो सारे हाइपोथेटिकल है, यानी फर्जी बातें हैं, फर्जी दावे हैं और फर्जी सिचुएशंस हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया वालों को कांग्रेस करता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये अहम करदार अदा किया आपने अपने लोगों के, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हमने सिर्फ तराने पैदा किए हैं कश्मीर वालों के लिए, डेवलपमेंट किसी किस्म की नहीं की हमने। जिस तरह यानी एलिनेटेड किया हुआ है अपने इलाकों को, बलोचिस्तान इन सब चीज़ों को, इसी तरह कश्मीर को भी किया हुआ है। ये कह लें कि ये बहुत बेहतर है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, बहुत इंडिया की अवाम के लिए भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान की अवाम के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर हम कश्मीर को उनका राइट दे दें, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं उनकी डेवलपमेंट देखते हुए तो उनके साथ जाएं, अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल है। इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है फिफ्थ जनरेशन वार में। ये जो एक प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने जम्मू कश्मीर, उधर की आवाम का दिल जीतने के लिए किया। एंड कश्मीर के हवाले से जहां पर इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी 6,000 मेगावाट को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि वहां पे आए दिन हम देख रहे हैं इंडिया जो है वो नई से नई डेवलपमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में? और अगर बात करें इस टाइम जैसे कि इंडिया एक हब बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो क्या कहेंगे? बस ना, जिस तरह आपने खुद बताया कि वहाँ पेंटेड डेवलपमेंट वगैरह कर रहा है, यही फर्क होता है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में और हाइपोथेटिकल डेवलपमेंट में। हमने जितने भी डेवलपमेंट किया है कश्मीर में, अपने आज़ाद कश्मीर में, तो वो सारे हाइपोथेटिकल है, यानी फर्जी बातें हैं, फर्जी दावे हैं और फर्जी सिचुएशंस हैं। हमने सिर्फ तराने पैदा किए हैं कश्मीर वालों के लिए, डेवलपमेंट किसी किस्म की नहीं की हमने। जिस तरह यानी एलिनेटेड किया हुआ है अपने इलाकों को, बलोचिस्तान इन सब चीज़ों को, इसी तरह कश्मीर को भी किया हुआ है। तो जब तक हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक किस तरह होगा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में रेजिलियंस क्रिएट नहीं हो रही, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रही, इस तरह हमारे अपने इलाकों में भी नहीं हो रही, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये क्रिएट होती जाएगी और अनकरीब हम ये अपना जो अजीब एक वो है शाहराग जिसको हम कहते हैं वो भी खो देंगे। हम सबसे पहले तो मैं इंडिया वालों को कांग्रेस करता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये अहम करदार अदा किया आपने अपने लोगों के, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है फिफ्थ जनरेशन वार में। ये जो एक प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने जम्मू कश्मीर, उधर की आवाम का दिल जीतने के लिए किया। पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, हमें भी जो आज़ाद कश्मीर है उधर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने चाहिए जो उधर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये एक अच्छी बात है अगर दोनों तरफ कश्मीर की आवाम को अगर कोई सहूलियात मिल रही है, इंडिया की तरफ से मिल रही है या पाकिस्तान की तरफ से मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई सहूलत नहीं मिली कश्मीर को, हमारे कश्मीर को। ये एक कड़वी हकीकत है। बेसिकली ये देखें कि वहाँ पे क्योंकि जो है ना वो डैम्स के लिए इंडिया जो है ना वो काफ़ी अर्से से डैम्स जो है ना वो बना रहा है, सो हमारा एनर्जी सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। और सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट एनर्जी होती है ना वो बेसिकली जो है ना वो आपको इसी से जो है ना वो डैम से ही मिलती है। सो क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो समंदर और उसके जो रूट्स है ना वो कश्मीर से ही, जम्मू कश्मीर से ही होकर गुजरते हैं, तो वो वहाँ पे ही जो है ना वो डैम्स बना सकते हैं थ्रू जो है ना वो के चीपेस्ट एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकें और वो सप्लाई कर सकें ऑल ओवर दी कंट्री। सर, जिस तरह से वो काम कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो एक इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर हब नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? बेसिकली ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे भी शुरू होता है तो उसका जो है ना वो लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जॉब्स जो है ना वो मैक्सिमम वहीं से जो है ना वो उनको मिलती हैं। सो एक ये तो है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि उनके लिए जो है ना वो रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे, और जब वहाँ पे लोग जो है ना वो लोकली ज्यादा जॉब करना शुरू हो जाएंगे ना इंडियन जो है ना वो स्टेट इंस्टीट्यूट में, तो उनकी लॉयल्टीज जो है ना वो चेंज हो जाएंगे और टूवर्ड्स जो है ना वो इंडिया हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि इससे जो है ना वो उनकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो उनको मिलेगी, सो दैट्स अ गुड स्टेप। हमने ना बुनियादी तौर पर जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारे सारी जो बातें हैं वो सिर्फ नारों या आवाज़ बुलंद करने तक हैं, एक आवाज़ बुलंद करना अपने मुल्क में है और दूसरा यह है कि ये काम बुनियादी तौर फॉरेन पॉलिसी का है, ये हमारे मुल्क के अंदर की सिचुएशन तो नहीं है, ये तो दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है, तो इसे फॉरेन पॉलिसी में ही उजागर करना चाहिए और इसको मामले को हल कराना चाहिए। हमारे एफर्ट फॉरेन पॉलिसी के बजाय इंटीरियर
यानी मामलात में है, हमारे मुल्क में है, उसको आवाज उठाने के हद तक, टेलीविजन के हद तक है। आवाज बुलंद इस तरह कर सकते हैं कि जो रियलिस्टिक बातें करने वाले हैं या प्रैक्टिकल बातें करने हैं उनकी हिमायत करें, बजाय उन चीजों के। यानी फर्क रहे, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की, हो सकता है कोई बंदा इस चीज को अपोज कर रहा हो या कह रहा हो कि आप कश्मीर के काज के खिलाफ हैं। ये रियलिस्टिक बातें या प्रैक्टिकल बातें करना कश्मीर काज के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि ये रियलिस्टिक ये होगा कि आपको अपनी खामियां और आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो पता चलेंगे। हमने बुनियादी तौर पर आवाज़ उठाने वालों को अप्रिशिएट नहीं किया, जिस वजह से जो एक वैलिड वो है यानी वॉइस है वो वहाँ से नहीं उठ सके। एक आम इंसान की जिस तरह सोच होती है, वो अपने लिए एक अच्छा घर चाहता है, इन्वायरमेंट अच्छा चाहता है, तरक्की चाहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई ना हो। अब पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया काफ़ी हमसे आगे निकल चुका है। सर वही मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है वो डेवलपमेंट में देखा जाए, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, उसी तरह की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो जम्मू एंड कश्मीर में भी ला रहा है। तो एक एक सोचने वाली बात है कि जो हमने अपने आज़ाद कश्मीर के लिए या अपने आम पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या वो तमाम सहूलियात दी हैं जो वहाँ पे इंडिया दे रहा है? नहीं, क्या वजह है? पाकिस्तान के पास अपने जो चार सूबे उन्हें चलाने के लिए बजट नहीं है, हम बाहर से लोन ले रहे हैं तो हम क्या चलाएंगे, हम कौन सी जंग लड़ेंगे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए तराने के अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं काम किया। जिस तरह ये लोग तराने बना देते हैं हर साल कि हम लोगों को बाहर निकालेंगे, हम उस जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें। अब पहले जानें तो सही कि जम्मू कश्मीर वाले वहाँ पे इंडिया में कैसे रह रहे हैं, आप पहले पता तो लगाएं, देन उन्हें आज़ाद करने की। अब जो तशद्दुद वो पहले वक्त में किया जा रहा है, अगर उन पर तशद्दुद किया जाता तो उन पर उनको इतना की फैसिलिटीज नहीं दी जाए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हैदराबाद और सैनमा वगैरह। मैंने कुछ इंडियन ब्लॉगर्स को देखा है कि यानी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वो आते हैं बाहर से तफरी के लिए, वो वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा मेहमान नवाजी करते हैं। मैं कभी नहीं उनसे सुना कि जम्मू कश्मीर वालों से कि हम पर तशद्दुद हो रहा है, हम पर बहुत जुल्म हो रहा है। ये उनको जो एक अलग स्टेटस जो है ना वो मिला हुआ था, उसके बाद ख़त्म किया था ना, उसके बाद ज़रूरी था कि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें ताकि वहाँ के लोगों को एक तो अट्रैक्ट कर सकें, और दूसरा ये था कि उन लोगों को जो है ना ये शो करवा सके कि भाई हम जो है ना वो आपके कितने खैर ख्वाह है ना, ताकि उनके एक नैरेटिव को जो है ना वो चेंज कर सकें। रही का बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तो मैं एक ही सिंपल कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ था, आज़ाद कश्मीर में क्या होना था? वो बेसिकली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम लोगों से मिलते हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं आज़ाद कश्मीर के भी, वो बेसिकली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अलग से स्टेट चाहते हैं, ठीक है। सो लेकिन ये है कि हमें भी जो है ना उनके इस राइट को जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और इंडिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको एक अलग जो है ना वो स्टेट जो है ना वो बनाने के लिए। ये देखें कि पूरी दुनिया में ये चल रहा है अभी जो है ना, वो आप ये देख लें कि आयरलैंड जो है ना वो अलग हुआ है, पोलैंड अलग हुआ है इंग्लैंड से, ठीक है, हांगकांग जो है ना उस वहाँ से असर तो खत्म हुआ है चाइना का। सो बेसिकली अब छोटी छोटी स्टेट्स भी जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम ये कह लें कि ये बहुत बेहतर है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, बहुत इंडिया की अवाम के लिए भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान की अवाम के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर हम कश्मीर को उनका राइट दे दें, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं उनकी डेवलपमेंट देखते हुए तो उनके साथ जाएँ, अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल है, या अलग स्टेट बनाना चाहते हैं तो वो अलग स्टेट बनाएं। तो बिकॉज आप ये देख लेंगे विटकन सिटी जो है उसकी पॉपुलेशन जो है ना अराउंड आई थिंक 7 to 8,000 है, लेकिन वो भी एक अलग स्टेट है, ठीक है। तो उनको अगर अलग उन्होंने रहना है तो उनको जो है ना वो इस चीज़ का राइट दिया जाए, इससे डिस्प्यूट खत्म होगा बिटवीन टू कंट्रीज, पाकिस्तान और इंडिया, और क्या होगा कि इससे हम जो है ना वो फ्रीली ट्रेड कर सकेंगे। हमें जो है ना वो जो चीज़ें अब कुछ चीज़ें हमें इंडिया से जो है ना वो अगर आए तो वो सस्ती पड़ेंगी एज कम्पेयर टू जो हम जो है ना वो जर्मनी या अदर कंट्रीज से जो है ना वो मंगवाते हैं, तो एक कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो है ना वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली ये है कि हमारे जो है ना वो एक्टर्स वहाँ पे आ सकेंगे, वो यहाँ पे आ सकेंगे, तो एक ये कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से हम जो है ना वो पॉवर्टी को जो है ना वो अपलिफ्ट कर सकेंगे अपने जो है ना वो गरीब लोगों को। तो आज़ाद कश्मीर के लिए अमली तौर पे कोई इकदाम नहीं उठाए, जम्मू एंड कश्मीर की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है, क्या आपको लगता है रियलिटी में जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का कभी हिस्सा बनना चाहेगा जिस तरह की डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे? इस तरह तो नहीं लगता, इस तरह तो ये लगता है कि उल्टा जो हमारा हिस्सा है पहले से आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ के भी लोग उल्टा वो कर सकते हैं, हाँ वो बगावत कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ना, जब तक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होगी उस वक्त तक उल्टा आप
के काज को नुकसान पड़ेगा। आप जिसको शारा कहते हैं, आपकी शारा कटेगी तो आपके खुद यानी यकजहती क्या होगी मुल्क के। 6000 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या कहेंगे अगर वहाँ पे वो मुकम्मल होता है तो वहाँ पे तो एक हब नजर आएगा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले। हाँ बिल्कुल, एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से नहीं, बाकी जो जो इंडिया की मेन पावर है इस वक्त वो उनकी टेक्नोलॉजी है। वो अपनी टेक्नोलॉजी को जिस तरह दूसरे इलाकों में अपने यानी मजबूत कर रहे, इस तरह वो अपने इलाका कंसिडर करके जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और उनकी जो दूसरी मोबिलिटी है ना, सोशल मोबिलिटी, यानी अपने हिंदुओं को वहाँ पे अकोमोडेट करना, ये इनक्रीब यानी एक तरफ वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं यानी मोबिलिटी वगैरह लेकर आना, सोशल मोबिलिटी। तो इस तरह लग रहा है कि जो काज है पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर वो डैमेज हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अवाम के लिए कि एक कश्मीर के इशू से ना हम बाहर निकल के ना, जिस तरह यूरोपियन स्टेट्स थी, फ्रांस और जर्मनी की जंग थी, वो अपने ब्रदरहुड में आ गए, हमें भी इसी तरह ब्रदरहुड में आना चाहिए। एक दूसरे के लिए हम अच्छाई कर सकते हैं, हम इंडिया को ट्रेड कर सकते हैं, हम इंडिया को रूट दे सकते हैं। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो बड़ी खास है, हम इंडिया को एक्सेस दे सकते हैं मिडल ईस्ट कंट्री में। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, तकरीबन वहाँ पे एक हफ्ते में 3 दिन लाइट नहीं आती। तो मैं इस हवाले से आपको कैसे बता सकूँ कि हमें पाकिस्तान किस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी से तरक्की पसीर कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे हुक्मरान को चाहिए कि वो लोगों के बारे में सोचे, वो यानी कि जो किरदार है ना हुकूमत का, वो लोगों में पहुँचाए, आवाम को दे, ताकि हम तरक्की कर सकते हैं, कर सकें। ठीक है, पूरी दुनिया को ना बेसिकली चाहिए, अगर वो कोई जो है ना वो कंट्री प्रोड्यूस करता है ना कोई चीज़, तो उसकी होता है कि मुझे सबसे बड़ी मार्केट मिले जहाँ पे मैं जाके जो है ना वो सेल कर सकूँ। इंडिया जो है ना वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मार्केट है। और ये देखें ना कि चाइना जिस तरह से इंडिपेंडेंट है और जिस तरह से वो अपनी चीज़ें खुद यूज़ करता है, तो ये कह लें सबसे बड़ी मार्केट है, दूसरी भी नहीं सबसे बड़ी मार्केट है। क्योंकि तो इसलिए हर कंट्री जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो ट्रैवल कर, वो उनके साथ जो है ना वो ट्रेड करना चाहता है, ताकि जो है ना वो अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो उनको सेल आउट कर सके। इसीलिए पूरी दुनिया में जिस तरह से पजीराई जो है ना वो इंडिया को मिल रही है, और स्पेशली अमेरिका जिस तरह से जो है ना वो अमेरिका के पपिट के तौर पर यूज़ होता है, और जिस तरह से चाइना के साथ जो है ना वो उनकी लास्ट ईयर जो है ना वो वॉर चल रही थी, तो इस वजह से उनको जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, और इस तरह से उनको जो है ना वो, और बाईपोलर वर्ड होने की वजह से उनको जो है ना इस चीज़ का एज हासिल हो रहा है।